आपको भी मेरी तरह मेथी के पराठे खाना बहुत पसंद है सर्दियों में, और दूसरी तरफ वेट की भी टेंशन होती है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। यानी कि हम मेथी के पराठे तो खाएंगे लेकिन हमारा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप ओट्स। इसको हम मिक्सी के जार में डालकर फाइन पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ली है 1 कप हरी मेथी, जिसे कि मैंने धो लिया है अच्छे से। अब इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। मैंने ओट्स को अच्छे से पीस लिया है और इसका हमारा फाइन पाउडर बनकर तैयार है। इसमें हम डाल लेंगे हमारी बारीक कटी हुई हरी मेथी। आप चाहें तो ओट्स आटा भी मार्केट से ला सकते हैं। बारीक कटा हुआ अदरक और मिर्ची डाल लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के बेसन। बेसिक मसाले डालेंगे स्वाद के अनुसार, नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब यहाँ पर मैंने ली है 1/4 टीस्पून अजवाइन, जिसको कि हम हाथों में इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अब सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आटा बना लेंगे। तो आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गुनगुने पानी का यूज किया है। गुनगुने पानी से ओट्स की रोटी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती है। मैंने इसे एक बार चम्मच से मिक्स कर लिया था क्योंकि हमारा जो पानी था वो गर्म था। बस इसे हाथों से अब अच्छे से गूंथ लेंगे। अब इसके ऊपर लगा लेंगे हम 1 चम्मच देसी घी। इसे रोटी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनती है। तो बस मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आटा बनाते हुए लगे कि अगर आपका जो आटा है वो ढीला हो गया है तो आप उसमें 1 से 2 चम्मच बेसन और डाल सकते हैं। तो बस इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और नॉर्मल रोटी की तरह इसे हम बेल लेंगे। वैसे तो ओट्स की रोटी को बेलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। तो मैंने इसे गर्म तवे पर ट्रांसफर कर लिया है। जब दोनों तरफ से अच्छे से रोटी सिक जाएगी तब हम इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। तो अब इसे घी लगाकर दोनों तरफ से हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि हमें वेट लॉस में देसी घी नहीं खाना चाहिए, पर वो बिल्कुल गलत है। घी इज अ गुड कॉम्पोजिशन ऑफ हेल्दी फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसी तरह से हम बाकी सारे भी पराठे सेक लेंगे। हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ओट्स और मेथी के पराठे रेडी हैं। आप इसे अचार के साथ या दही के साथ पेयर कर सकते हैं। मैं इसे एंजॉय करती हूँ पनीर की सब्जी के साथ, जो कि है बिना कैश्यू और बिना क्रीम के। अगर आपको उसका वीडियो भी चाहिए तो कमेंट्स में आके जरूर बता देना। अगर आपको हेल्दी ओट्स मेथी के पराठे पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।